अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं कबीर अकबाल केबी आर न्यूज़ में आपका खैर मुकदम करता हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर। मैं अब्दुल माजिद केबीआर रिपोर्टर बोधन। आइए हमारे ईद के बारे ईद की बारे में उनकी ख्यालत क्या है सुनेंगे हमारे अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद रहमत अली शकरनगर बोधन तेलंगाना से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे बोधन एमएलए शकील आमिर साहब का, तमाम मुसलमानों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब के पास जो नमाज के लिए अपील किए हैं। यकीनन वो अपील तारीफ़ काबिल है, लेकिन मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से कि आप इस महीने के अंदर रमज़ान का पूरा महीना हमारे लिए जो इकदाम करते हुए हमारे को आसानी और सहूलतें दी हैं, यकीनन हम तमाम मुसलमान आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन तमाम हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे कामयाब स्टेट है तो वो तेलंगाना है। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से और तमाम मिनिस्टरों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि एक महीना रोज़ा रखने के बाद में एक दिन ऐसा आता है जो आदमी काम करने के बाद एक महीना जिसको मजदूरी मिलती है, इसी तरीके से एक महीना रोजे रखने के बाद में उसके इनामात मिलते हैं। उस दिन जब उस दिन बंदा बैठ के अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के दुआ करता है, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आकर उसकी दुआएं कबूल करती है और यकीनन उस दुआओं के असर से जो वबा कोविड-19 की चल रही है हमारे तेलंगाना में, सारे हिंदुस्तान में, सारे आलम में, जब लोग दुआ करेंगे इंशाल्लाह वो दुआ कबूल होके ये सारी वबा चले जाएगी, हम आम जिंदगी की तरह जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन मैं नमाज का वक्फा नहीं होने की वजह से मैं मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से अदमन गुजारिश कर रहा हूँ कि वो नमाज का परमिशन दे, जैसे कि 6 बजे से 10 बजे के दरमियान खरीदो फरोख्त करने का इजाज़त है, उसी तरीके से नमाज की भी इजाज़त दे दें ताकि हम नमाज अदा करें और दुआ गो हों, अल्लाह ताला के दरबार के अंदर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला दुआ मुसलमानों की कबूल करेंगे और सारी बीमारियों को दूर करके शिफा देंगे बीमारियों को। इसीलिए सबसे कामयाब अगर हुकूमत है तो तेलंगाना है। यकीनन आगे भी कामयाबी के रास्ते पे हमारी हुकूमत चलेगी और कामयाबी तेलंगाना हुकूमत और टीआरएस के कदम चूमेगी। अस्सलाम वालेकुम।